आज सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर दी गई कि जाट समाज की एक बैठक हुई है जिसमें जाट समाज ने यह निर्णय लिया है कि जाट समाज बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश जी चौधरी को वोट देंगे और उसमें हरीश जी और मेरी सहमति की बात भी उसमें कही गई है, जबकि ये भ्रामक है, मिथ्या है। और इस प्रकार की जाट समाज की न तो कोई बैठक हुई और न मेरा और हरीश जी का इस प्रकार का उनके पक्ष में कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोग कांग्रेस के उम्मीदवार उमेंद्र राम जी बेनीवाल के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं और जाट समाज भी उमेंद्र राम जी के साथ मजबूती से खड़ा है। सभी उमेंद्र राम जी का ये जो सामने उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार बीजेपी के और निर्दलीय, ये इस तरह की अफवाहें फैला करके और वोटों को लोगों में दिमाग में वोटर्स के दिमाग में इस तरह के भ्रम फैला करके वातावरण को दूषित करके जीतना चाहते हैं, जो कि कतई उनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमेंद्र बेनीवाल 100% जीतेंगे। हेमाराम जी चौधरी साहब ने जो बात करी है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बैठक जीवन के अंदर ही नहीं हुई, इस चुनावों को छोड़ो, कभी भी राजनीतिक तौर के अंदर इस प्रकार की बैठक समाज की कभी भी नहीं हुई है। इस चुनाव के अंदर भी इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है। जो जन समर्थन 36 कौम का उम्मीदवार राम बेनीवाल को मिल रहा है वो चुनाव जीत रहे, ये दोनों के दोनों प्रत्याशी जो एक जगह से ट्रेनिंग लिए हुए भारतीय जनता पार्टी से, इस तरह की असत्य प्रचार कर भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों से ये निवेदन है, जिस प्रकार से आप उम्मीदवार राम जी की मदद कर रहे हो, 36 कौम आप मजबूती से, ये तो शुरुआत हुई है इस तरह की प्रचार की, इस प्रकार के प्रचार से आप लोग सावधान हो और मजबूती से जिस उम्मीदवार राम बेनीवाल की आप मदद कर रहे हो 26 तारीख तक मदद रखो, वोट डालकर और इन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब जो मिथ्या असत्य बातें आप लोगों के बीच में करवा कर और वोट लेना चाहते हैं उनका करारा जवाब आप लोग उस वोट से दो। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।